Good afternoon, dear students. We have started chapter 5, Organizing of Business Studies of class 12. In the previous videos, we have covered various topics of chapter 5, that is the meaning of organizing, the process of organizing, importance of organizing, types of organization structure, and types of organization. And in this video, we'll cover the most important concept of management, that is delegation of authority and decentralization. What is delegation of authority? When I talk about delegation, delegation in simple English, it is transfer, kind of transfer, right? And delegation of authority means power, transfer of power or right, right? Then the job, we are talking in the context of an organization. When the job or workload of a person or a superior in an organization grows beyond his capacity, then what he need to do? He must share that burden, that workload with the subordinates, right? And how he share? The superior assigns the work to others. Others are the subordinates, giving them authority to do it. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका सुपीरियर उसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने से नीचे लेवल पे काम करने वाले सुपीरियर सॉरी सबॉर्डिनेट को कुछ काम असाइन कर देता है और उसको कुछ अथॉरिटी दे देता है, कुछ पावर्स दे देता है, कुछ राइट दे देता है उस काम को करने के लिए। इससे क्या होता है, जो वर्कलोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सुपीरियर का वर्कलोड कम हो जाता है क्योंकि उसने अपना वर्कलोड का कुछ प्रोपोर्शन ऑफ वर्क जो था अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया। एज यू कैन सी इन द फिगर दैट सुपीरियर इज डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द वर्क टू द सबॉर्डिनेट, दिस इज नथिंग बट डेलीगेशन। ओके, डेलीगेशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज इन योर होम, एट योर होम, इन योर फैमिली, आपकी मदर ने आपको कोई काम अलॉट किया, आपकी मदर ने आपको कुछ पैसे दिया और बोला यू जस्ट हैव टू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग आउट द वेजिटेबल्स। यू आर वेरी लेजी, आप लेजी हैं, आप मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो आपने अपने छोटे भाई को बोला कि तुम मार्केट चले जाओ, ये लो पैसे, ठीक है, और मार्केट से जाके वेजिटेबल्स लेके आओ। आपका ब्रदर जाता है मार्केट में और वो वेजिटेबल लाने के बजाय स्वीट्स लेके आ जाता है या फिर वो वहां पे जाके फास्ट फूड खाके पैसे खत्म करके वापस घर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इस एग्जाम्पल में पहले समझिए हुआ क्या है। आपकी मदर ने आपको काम अलॉट किया, राइट? सो योर मदर डेलीगेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, राइट? आपको काम दिया उन्होंने, जब उन्होंने वेजिटेबल लाने का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, देन शी ऑल्सो गेव यू द मनी, राइट? शी ऑल्सो गेव यू द अथॉरिटी, उन्होंने आपको वो राइट दिया, वो पावर दिया ताकि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके जो उन्होंने आपको दिया, राइट? शी गेव यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शी गेव यू अथॉरिटी। नाउ व्हाट यू डिड, आपने फिर दोबारा से उसको डेलीगेट कर दिया, उस अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया, किसको? अपने यंगर ब्रदर को। उसके बाद जब आपका ब्रदर वापस आता है तो आपसे फिर मम्मी ने जब पूछा कि आपको वेजिटेबल लाने थे आप नहीं लेके आए, डांट किसकी पड़ेगी, मम्मी किसको डांटेंगी, मम्मी डांटेंगी आपको या आपके यंगर ब्रदर को? डेफिनेटली आपकी डांट पड़ेगी, बिकॉज द वर्क हैज बीन असाइंड टू यू, अथॉरिटी हैज बीन असाइंड टू यू। ये आपकी गलती है कि आपने जो है उस अथॉरिटी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और को असाइन कर दिया बिना मम्मी के परमिशन के, राइट? तो आपने जब किसी और को वो असाइन कर दिया तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी किसकी हुई, आंसरेबल कौन होगा मदर को? डेफिनेटली आप होंगे, क्यों? क्योंकि authority has been assigned to you, responsibility has been assigned to you, vegetable आपको लाने के लिए बोला गया, पैसे आपको दिए गए, तो definitely अगर वो काम नहीं होगा तो उसके लिए जिम्मेदार भी आप ही होंगे, right? So this is the process of delegation, okay? Delegation have three elements, देखिए, process बोले या elements बोले एक ही बात है, delegation have three elements or three process, three steps in the process of delegation. The very first is the responsibility. Assigning the responsibility, assigning the duties. Then when we assign, the superior assign the responsibility to the subordinate, then what he need to do? He need to assign the authorities also, right? Agar aapko authority di gayi, responsibility di gayi, toh definitely you will be held accountable for the job you are going to perform, right? Toh ye teen baatein milke delegation banati hain, delegation ko banati hain. Ab sabse pehle aata hai delegation mein, jo sabse pehla element hai delegation mein,
क्या है आपका अथॉरिटी. अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट. आपका जो बॉस है उसके पास ये राइट है कि वो आपको कोई ऑर्डर दे सकता है, ये उसकी अथॉरिटी है. राइट, राइट टू कमांड, ठीक है. और हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कमांड करेगा. राइट, कमांड देगा कौन? सुपीरियर देगा. कभी भी सबॉर्डिनेट किसी सुपीरियर को नहीं देगा. इस वजह से आप देख सकते हो कि टॉप लेवल वाला मिडिल लेवल को देगा राइट ऑर्डर्स, और मिडिल लेवल वाला ऑर्डर्स देगा लोअर लेवल वाले को, लोअर लेवल वाला जो है ऑपरेटिंग लेवल जो वर्कर्स है उनको ऑर्डर देगा. इस तरीके से डेलीगेशन की अगर मैं बात करूं तो डेलीगेशन में जो अथॉरिटी का फ्लो हो रहा है वो टॉप टू बॉटम हो रहा है. और हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी जो है हमारी इसका किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये जो है टॉप टू बॉटम हो रहा है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है अथॉरिटी हमारी फ्लो कर रही है. ठीक है, पावर दे दिया गया. अब आता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. Responsibility is an obligation to perform the duties assigned, right? Responsibility क्या है? किसी भी individual को जो भी उसको duties assign किए गए उसको carry out करने की एक obligation, एक जिम्मेदारी क्या है? Responsibility है. Responsibility क्यों originate हो रही है? Due to the superior subordinate relationship. क्योंकि आपका superior के पास बहुत ज़्यादा काम है, too much workload he have, so he is not able to perform all the jobs at his own. So he is assigning some authority to you. जब उसने किसी काम को करने की अथॉरिटी आपको दे दी, कमांड दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तो उसके बाद उसने वो आपको क्या किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स एज एवरी सबॉर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू सुपीरियर. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए का फ्लो कैसे होता है? अपवर्ड होता है. बट अथॉरिटी का फ्लो कैसे था? डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसे होता है? अपवर्ड होता है. यानी मम्मी ने अगर आपको बोला किसी काम को करने के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं मदर के लिए. ठीक है, आपने अगर काम नहीं किया है तो आप किसको जवाब देना है? मम्मी को जवाब देना है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो जो होता है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. व्हेन एन एम्प्लॉय इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब ही मस्ट ऑल्सो बी गिवन नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट. राइट, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समझ में आ गया. उसके बाद चलते हैं द थर्ड एलिमेंट ऑफ द डेलीगेशन, दैट इज अकाउंटेबिलिटी. Accountability, in other words, the key word for the accountability is answerability for the final outcome of the assigned task. If you have been assigned task to bring out the vegetable from the market and you have not bring out the vegetable from the market, then you have no final outcome. अगर आपको वेजिटेबल्स लाने का काम दिया गया था, आप नहीं ला पाए, रीजन चाहे जो भी था, बट अकाउंटेबिलिटी आप ही की थी, आंसर आप ही को करना है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट. और डांट भी आप ही की पड़ेगी. मदर इज गोइंग टू स्कॉल्ड यू, नॉट योर यंगर ब्रदर, बिकॉज शी हैज असाइंड द अथॉरिटी टू यू, शी हैज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू, सो यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल. राइट, मदर से डांट आपकी पड़ेगी. राइट, ये हो गया अकाउंटेबिलिटी. अब अकाउंटेबिलिटी जो है, देखिए इसमें होता क्या है, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, आपने अथॉरिटी को तो डेलीगेट कर दिया राइट, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया राइट, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. मतलब ये है कि आपको आपकी मदर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ध्यान से सुनेंगे, जो आपकी मदर ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने यंगर ब्रदर को दे दी. यानी यू हैव डेलीगेटेड योर अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द यंगर ब्रदर. फिर आपकी मदर ने आपको जो अथॉरिटी दी थी, पैसे दिए थे, वो भी आपने उसको डेलीगेट कर दिए, दे दिए. बट जब अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तो आप उसको उस पर ट्रांसफर नहीं कर सकते. यानी आप अपनी मदर के लिए काम ना करने के लिए आप खुद ही अकाउंटेबल है. यू विल हैव टू आंसर right for the thing which you have been told to do but you have not made it happen. okay, to ye is tarike se hamare paas teen element delegation kiya gaya. authority ki definition hogi, authority refers to the right of an individual to command his subordinate. then responsibility is the obligation of an individual to carry out the assigned duties. and then accountability is the obligation to carry out the responsibility or being answerable for the final outcome. These are the three elements of delegation or three parts of the process of delegation of authority, right? Now, the comparative study on elements of delegation. What is the meaning of authority? It is a right to command. Responsibility, it is an obligation which needs to be performed, right? And accountability is the answerability, okay? डेलीगेशन में देखिए, अथॉरिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं. यानी मदर ने आपको
कोई काम डेलीगेट किया, कोई पावर दी और आपने उसको फर्दर डेलीगेट कर दिया, इट कैन बी डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. व्हाई इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड? आपको आपको जो था, हाउएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड बट इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड. आप पूरी तरह से अपना काम उसको नहीं दे सकते, राइट, जो आपने दे दिया जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ. देन आता है अकाउंटेबिलिटी. देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में ये कॉमन है कि काम आपको दिया गया था तो आपसे ही काम का रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और अगर काम नहीं होता है या काम हो जाता है तो उसके लिए आंसर भी आप ही नहीं करना है. यानी कहने का मतलब है आप अपनी अथॉरिटीज को तो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने जूनियर को, अपने सुपीरियर को, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देती हूँ. सपोज आप CA फाइनल के स्टूडेंट हैं और आपकी इंटर्नशिप चल रही है, आप किसी CA फॉर्म में जाके वहाँ पे आपने काम सीखना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल काम आप कर रहे हैं, और वहाँ पे एक अकाउंटेंट है जिसने आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, राइट. उसके बाद वो बैलेंस शीट उसने आपको बनाने के लिए बोल दिया, बट आपने वो बैलेंस शीट एग्जैक्ट एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं बनाया, इसके लिए हु विल बी हेल्ड लायबल, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल? नॉट यू बट योर अकाउंटेंट जिसने आपको ये काम दिया. ठीक है, अथॉरिटी आपको दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? उस अकाउंटेंट की थी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. आप पूरी तरह से दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते हैं इसको, आप अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर नहीं डाल सकते हैं अगर काम आपको दिया गया है तो, राइट. अथॉरिटी कम्स फ्रॉम द फॉर्मल पोजिशन. अगर मैं सुपीरियर हूँ तो ही मेरे पास अथॉरिटी होगी किसी से किसी काम को करवाने की. रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपने अथॉरिटी डेलीगेट की तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं. जब मैं किसी को कोई कमांड दूंगी तो उसको मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी करने के लिए दूंगी, और जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसी चीज को करने की तो डेफिनेटली आंसरेबिलिटी भी आप ही की होगी, अकाउंटेबिलिटी भी आप ही की होगी. अब आ जाते हैं फ्लो. फ्लो मैंने आपको भी डिस्कस किया. अथॉरिटी हमेशा सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कमांड करता है, तो ये जो आपका अथॉरिटी का फ्लो होता है ये डाउनवर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो आपका अपवर्ड की तरफ होता है, बिकॉज वी हैव टू अकम्प्लिश द गोल्स एंड वी हैव टू अकम्प्लिश अवर टास्क फॉर द सुपीरियर, राइट. तो इसका फ्लो हमेशा अपवर्ड की तरफ होता है, और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो भी आपका अपवर्ड की तरफ होता है क्योंकि आपको हमेशा आंसर अपने सुपीरियर को करना होता है, राइट. लेट्स गो फर्दर. Now, what is the importance of delegation of authority? मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो delegation of authority होता है ना, ये एक concept होता है, जब क्योंकि हम organization में क्या कर रहे हैं, organizing में, हमने organizing में एक structure बनाया है, superior subordinate का relationship को define किया गया है. उसके बाद क्या होता है कि हमारा superior सारे functions को खुद से perform नहीं कर पा रहा है, उसके पास बहुत workload है, तो उसने अपने next level पे क्या किया है, कुछ authorities और कुछ responsibilities को delegate कर दिया है. However, उन सारे कामों के लिए वो खुद अकाउंटेबल है, लेकिन उसने अपना थोड़ा सा काम अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया है. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है या हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन किया है तो इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फायदे हैं? सबसे पहला है कि मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है. कैसे इफेक्टिव हो जाता है भाई मैनेजमेंट? क्योंकि जो हमारा सुपीरियर था, हमारा ऑफिसर था, उसका वर्कलोड जो है कम हो गया. अब वो जो है हमारे इम्पोर्टेंट मैटर्स जो है उन पे ज्यादा इम्फेसिस कर पा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो जो हमारी बहुत नॉन क्रूशियल एक्टिविटीज हैं उनको उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया, दे दिया करने के लिए रूटीन जॉब्स को, और अब वो जो है कॉन्क्रीट एक्टिविटीज पर जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं. सो इफेक्टिव मैनेजमेंट, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन. द सेकेंड इंपॉर्टेंस इज दैट क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो सुपीरियर है ना वो हमसे काम करवा रहा है, उन्होंने हमें दे दिया है काम करने के लिए, तो जो एम्प्लॉयज हैं जिनको डेलीगेट की जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं सो दैट वो अपने टैलेंट को जो है शोकेस कर सकें और उनकी स्किल्स ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके. बिकॉज डेलीगेशन अलाउज द एम्प्लॉयज टू डेवलप दोज स्किल्स विच विल इनेबल देम टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क. क्योंकि अब आपको सुपीरियर आपको कॉम्प्लेक्स टास्क भी देगा, आपको इजी टास्क भी देगा, तो इससे क्या होगा, आप उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अपने स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे और जिससे आपका टैलेंट शोकेस होगा, आपका टैलेंट जो होगा डेवलप होगा, और इससे आप बहुत अच्छे लीडर बनेंगे कल को, बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग की पावर आपके अंदर डेवलप होगी, बहुत सारे स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं. देन द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन इज दैट क्योंकि सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को काम दे दिया,
सबॉर्डिनेट ने उस काम को किया, अपनी एफिशिएंसी दिखाई, इससे क्या हुआ, सुपीरियर ने उसको मोटिवेट किया, सुपीरियर ने उसको अप्रेज किया, इससे क्या हुआ, उसको बहुत खुशी हुई, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ा, उसको मोटिवेशन मिला काम करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप अच्छा हो गया, उससे हमारे सबॉर्डिनेट को एनकरेजमेंट मिली. दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें हो सकती हैं जो अच्छी हैं. फोर्थ इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इज दैट इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ बिकॉज क्विक डिसीजंस आर टेकन. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, एक तरीके ट्रेनिंग देते हैं हम अपने एम्प्लॉयज को. क्योंकि अगर मैंने अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम करने के लिए दे दिया है तो ही विल हैव टू डिसाइड हाउ टू परफॉर्म दैट जॉब, राइट. उस काम को करने के लिए वो अपने लेवल पर डिसीजन मेकिंग भी करेगा, है ना, और वो उस काम को करने के लिए अपने लेवल पर सोचेगा भी. तो इससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है बहुत जल्दी हो सकता है. हम नए प्रोजेक्ट्स को जल्दी लेके आ सकते हैं क्योंकि जो हमारे सारे एम्प्लॉइज बड़े ट्रेंड है, वो लोग बड़ी क्विक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं. क्यों, क्योंकि उनसे हमने बहुत सारे कॉन्क्रीट एक्टिविटीज भी टाइम टू टाइम करवाई हैं, हम उनसे करवाते रहते हैं, ठीक है ना. इससे हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं. देन मैनेजरियल हायरार्की कैन बी क्रिएटेड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. डेलीगेशन एस्टेब्लिशेस द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप व्हिच इज द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी होता है. और जब डेलीगेशन होता है तो क्या होता है, हमारा सबॉर्डिनेट जो है वो सारे कामों को करने की कोशिश करता है जो हमारा सुपीरियर कर रहा था. तो इससे क्या होता है, जितनी नॉलेज हमारे मैनेजर के पास होती है, हमारे मैनेजर के नीचे काम करने वाले ऑफिसर्स के पास भी बहुत हद तक उस तरीके की नॉलेज आ जाती है, क्योंकि मैनेजर के लेवल का काम उन्होंने भी काफी हद तक किया हुआ है. तो अगर कल को हमारा मैनेजर नहीं है, इन दैट केस मैनेजर से नीचे लेवल पे जो बंदा काम कर रहा था वो सारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर सकता है. तो एक मैनेजरियल हायरार्की क्रिएट हो जाती है. Extent of delegation of authority also decides the power that each job position enjoys in the organization. अगर आपका manager सारे काम आपसे करवाता है तो definite सी बात है, in the absence of the manager, you can perform all the duties which have to be performed by the manager itself, right? तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है delegation का. Then better coordination, ये तो understood है कि coordination बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि delegation में क्या होता है ना, clarity in duties to be performed, right? ड्यूटी, क्योंकि भाई हमारा सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो स्ट्रक्चर है डिफाइंड है, ड्यूटीज जो परफॉर्म करनी है वो डिफाइंड है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा. तो कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत कॉमन है. नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन. मैनेजमेंट बिकम्स इफेक्टिव, एम्प्लॉय गेट्स डेवलप, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऑल्सो हैपन, इट फैसिलिटेट ग्रोथ इन अ ईजी मैनर, मैनेजर हायरार्की कैन बी क्रिएटेड एंड बेटर कोऑर्डिनेशन. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में. डेलीगेशन जो था टेक्स प्लेस बिटवीन द टू लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, राइट. मदर ने आपको काम दिया, किसी कोई भी काम दिया आपको, वो डेलीगेशन है. फिर मदर की परमिशन लेके वो आपने अपने छोटे भाई को दे दिया. फिर आपके छोटे भाई ने क्या किया, उस काम को आपसे परमिशन लेके अपने किसी फ्रेंड को दे दिया. इस तरीके से अगर थ्रू आउट डिस्पर्सल होगा अथॉरिटी का, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे. डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग, एज यू कैन सी इन द फिगर, इज द सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ authority to all the levels of the management. As we have studied that there are three levels of management, agar sare level of management pe systematic tarike se delegation of authority hoga, theek hai, to usko decentralization bola jayega. But ye jo decentralization hoga top management ki sahmati se hoga, top management bolega tabhi decentralization hoga. Decentralization explains the manner in which decision-making responsibilities are divided among hierarchical level. जो भी हमारे organization की hierarchy है, उसमें decision-making को कैसे distribute करना है, कौन किस चीज के लिए decision लेगा, ये decentralization में fix किया जाता है, ठीक है?
An organization can be regarded as greatly decentralized if the decisions taken by the lower level are numerous as well as important. कहने का मतलब ये है कि कोई भी organization जो है ना तो पूरी तरह से centralized होना चाहिए ना decentralized होना चाहिए. ये जो centralization and decentralization का जो concept है, हमने Fayol जो Henry Fayol थे उन्होंने जो अपने 14 principles दिए थे उसमें हमने पढ़ा था. थोड़ा सा मैं आपको revise करवा देती हूँ. Centralization and decentralization में क्या फर्क था? Centralization means concentration of power at the top level of management. कि भाई autocratic हो गया सब कुछ, top level वाले सारे decision ले रहे हैं. That was centralization. और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था कि मतलब पूरी तरीके से डिस्पर्शन हो गई अथॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन में. एवरी पर्सन इज टेकिंग डिसीजन, राइट. तो हमारे को हेनरी फॉल ने ये बोला कि ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ना तो सारे पावर टॉप लेवल के हाथ में होने चाहिए और ना ही सारे पावर जो है सारे लेवल्स में डिस्पर्स होने चाहिए. अगर होने चाहिए तो इफेक्टिव तरीके से होने चाहिए. यानी हेनरी फॉल ने ये बोला था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है. उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे. डेलीगेशन तो भाई दो लेवल्स के बीच में हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के सारे लेवल्स के बीच में डेलीगेशन हो रहा है तो वो डेलीगेशन ना होके डिसेंट्रलाइजेशन होता है, राइट. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन. पहला इंपॉर्टेंस ये है डिसेंट्रलाइजेशन का. देखिए डेलीगेशन का ही एक्सपेंडेड फॉर्म है डिसेंट्रलाइजेशन. तो जो पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस हमने अभी डेलीगेशन के डिस्कस किए ना, कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइजेशन पे भी एप्लीकेबल है बट इन वाइडर एक्सटेंट, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन में आपका रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव्स, पूरी तरह से वर्क जो होता है आपका रिड्यूस हो जाता है. डेवलपमेंट हो जाती है आपके पर्सोनल की, दे आर फ्री टू टेक डिसीजंस. वही वाला दोबारा से पॉइंट रिपीट हो रहा है कि आपके सबऑर्डिनेट मोटिवेट होंगे बिकॉज़ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी इज टेकिंग डिसीजन एट देयर ओन लेवल, राइट. इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा आपके एम्प्लॉइज में डेवलप होती है बिकॉज़ यू हैव आस्क्ड देम टू परफॉर्म देयर जॉब्स, राइट, एट देयर ओन. खुद से उनको करना है तो अपनी वो इनिशिएटिव अपनी पर्सनल स्किल्स का वो यूज करते हैं और उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है. कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है, नो डाउट. एंड बेटर कंट्रोल एज डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस एट ईच लेवल. क्योंकि आपने डेलीगेशन हर लेवल पे किया हुआ है तो हर लेवल पे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं जो भी आपके एम्प्लॉइज काम करें उनको. ईच लेवल पे यू कैन ऑब्जर्व और उनकी परफॉर्मेंसेस को आप इवैल्यूएट कर सकते हो. उसके बाद आता है, मैं फिर से रिपीट करूंगी, अगर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमने पढ़ लिया है अभी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए तो आप कभी भी ये बोलेंगे कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, बल्कि आपको ये बोलना है कि देयर शुड बी इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, राइट. हमने अपने सबॉर्डिनेट को काम दिया है अगर करने के लिए तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे सबॉर्डिनेट हैव certain skills to perform that particular job or he has the power to perform the decision making. If he is not capable, right, तो अगर आपने decentralization कर दिया तो इससे आपके organization का goal अच्छे से achieve नहीं होगा, इसके लिए you are gonna suffer, ठीक है. Now the last topic of the chapter, that is delegation and decentralization. बहुत minor difference होगा इसमें क्योंकि delegation is an extension of the decentralization is an extension of the delegation, right? Nature की बात हम करेंगे बाद में, पहले meaning समझ लेते हैं. Meaning में हमारा one person to another, अभी मैंने बताया कि two levels पे ये सिर्फ took place होता है delegation. और अगर delegation पूरे organization में हो गया तो decentralization हो गया. So whole अगर है तो वो decentralization है. Delegation took place between two persons, so it is individualistic in nature, but decentralization is totalistic in nature. Delegation का scope बहुत limited होता है because one to one person में ये होता है. Decentralization का wider scope होता है because it takes place throughout all the organizational levels. Delegation में जो हमारी responsibilities होती हैं वो delegate नहीं होती हैं, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट होती है. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सुपीरियर के पास होती हैं, बट डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ हद तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर सकते हो. डेलीगेशन हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में सही होती है, बट हमारा डिसेंट्रलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सही होता है और वहां पे जहाँ पे आपका
तो आपके वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इफ दे आर नॉट इफेक्टिव इनफ और देर आर लैकिंग ऑफ स्किल्स विद देम, तो डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगा. जो डेलीगेशन है वो आपका सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से होता है, बिकॉज सुपीरियर इज असाइनिंग द ड्यूटीज टू द सबॉर्डिनेट इन केस ऑफ डेलीगेशन. बट वेन वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑटोनोमस यूनिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, कोई सुपीरियर सबॉर्डिनेट नहीं होता. वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनी वन इन डिसेंट्रलाइजेशन, राइट? वी हैव टू टेक डिसीजन एट अवर ओन, और इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग देन इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इट इज ऑटोनोमस, इट इज इंडिपेंडेंट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, राइट? सो दिस वॉज द difference between the delegation and decentralization. These are the two important concepts. These are not the functions, these are not the elements, but these are the two important concepts of the organizing or of the management which needs to happen in an organization for the smooth functioning. Delegation or decentralization के बिना एक organization कभी भी smooth तरीके से function नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे top level के पास already बहुत ज़्यादा workload होता है. अगर वो delegation नहीं करेंगे authorities का, responsibilities का, अगर वो decentralization को लेकर नहीं आएंगे अपनी organization में, तो वो routine jobs में ही हमारा top level हमेशा उलझा रह जाएगा और वो concrete और जो concerned factors हैं उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाएगा. So effective और smooth functioning of the organization के लिए delegation and decentralization is very important. And in this way, we are done with the chapter 5, that is organizing.